नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। कल्पना यादव ने नीट परीक्षा 2023 में लगाई लंबी छलांग, मनातू थाना प्रभारी कमलेश कुमार ने किया सम्मानित। धूमधाम से मनाया गया 77वां स्वतंत्रता दिवस। नीट परीक्षा में सफलता का परचम लहराने वाले पलामू जिले के मनातू प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती गाँव दलदलिया, जहाँ एक समय नक्सलियों का जमावड़ा रहा करता था। इस गांव में पढ़ाई लिखाई का कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी गांव के निवासी शिक्षक विनोद कुमार यादव की पुत्री कल्पना यादव ने नीट में अपना परचम लहराया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनातू थाना प्रभारी कमलेश कुमार के द्वारा मोमेंटो मेडल शॉल देकर सम्मानित किया गया। मनातू थाना प्रभारी कमलेश कुमार ने कहा कि सफलता कड़ी मेहनत से मिलती है, साथ ही जीवन में अच्छा करने के लिए सपना देखिए और उस सपने को समय रहते पूरा कीजिए। कहा कि बिना मेहनत और लगन के कुछ भी हासिल नहीं होता। साथ ही मैट्रिक और इंटर में फर्स्ट और सेकंड डिवीजन से पास करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। देश की आज़ादी की 77वें वर्षगांठ मंगलवार को थाना एवं प्रखंड में पूरे हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाई गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, सभी राजनीतिक दलों के कार्यालयों, स्कूल कॉलेजों एवं सभी अन्य शैक्षणिक संस्थानों में तिरंगा ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर लोगों ने देश के अमर शहीदों तथा स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। अनेक शिक्षण संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में पांकी विधानसभा के बीजेपी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता द्वारा झंडोत्तोलन के पश्चात खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। प्लस टू विद्यालय पटना के प्रांगण में आयोजित स्वतंत्रता दिवस का यह भव्य कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित इस प्रखंड के बीडीओ साहब सीतानंद महतो जी, सम्मानित थाना प्रभारी कमलेश कुमार यादव जी, परमेश्वर साहू जी और गीतांश टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।